छगन मगन। और तीसरा कहाँ है? अरे वो तीसरा कोई डायलॉग था नहीं, तो फालतू में उसको रखना पड़ता, उसकी मुंडी उंडी हिलानी पड़ती, एनिमेशन करना पड़ता, तो लाए नहीं। पुलिस सॉलिड एक्शन में। मेरा नाम विजय सलगांवकर है और ये मेरा कन्फेशन है। हकीकत का इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं। सच पेड़ के बीच की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ जाता है। वो हड्डी अभी डिक्की में बंद है और जैसा आपने कहा था, मैं उस हड्डी को भंगी रखूंगा, भुक्को करी रखूंगा और गीता की डिक्की में फेंक दूंगा। मेरा यकीन मानो, मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये कुछ और ही समझ बैठा। कॉमेडी? क्या कॉमेडी? अरे हर साल यही सुनते आया हूँ, पुलिस यहाँ खोद रही है, वहाँ खोद रही है, लेकिन मिलता क्या है? बतला रहे, कोई बूढ़े बुजुर्ग को बतला रहे, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, पिले जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, उसी में खोपड़ी टंटनाएं दे रहे हैं अपनी। किसी को चोट नहीं लगने वाली? वो हमारे आने से पहले ही वहाँ लटका हुआ था। पापा, वो पुलिस आ रही है। बंधु को सही सलामत उसके घर छोड़ देना, काट दे साले को, और फिर गीता का दिल जीतना अपने प्यार की ताकत से, गुलाब और चॉकलेट से, किडनैप कर उसे। इस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। जिसे हम है, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बेकार की टेंशन हमें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, कुछ भी हो डरना नहीं। वो पीछे के रास्ते से क्यों मारे? दुपिंदर, गीता का दिल जीतने का ये बिल्कुल गलत तरीका है। मुझे तुम पर नाज है। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। अरे बाबू, ये लोग तो खुद ही में आपस में कट्टे मारे जा रहे हैं। हम लोग की शादी कब हुई? हाँ बेबी, रुको। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। गेस के बारे में क्या क्या याद है? सब कुछ। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं मेरा बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नहीं भूल सकता। गजब बेइज्जती है। अरे कहना क्या चाहते हो? सर बात वहीं पे आके अटक जाती है, विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। एविडेंस है। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। पट्टे से उत्तर देता है, कोई और झूठ नहीं बोल पा रहे हो, कम से कम हमारी इज्जत रख लो। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। बहुत चालाक है, उसे सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं देना। अब तुम मूर्खता काबिल नहीं रह गए हो, अब तुमने लगा दिया दिमाग। दुश्मन को हराने का मौका अक्सर दुश्मन आपको खुद देता है। मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी, आज भी वही करूंगा।